नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ रिया पांडे। 72 साल के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सीधा लोहा लेने वाले 45 साल के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का कल जन्मदिन था। पायलट इस वक्त कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल है। पायलट के जन्मदिन पर सभी नेताओं ने मिलकर शक्ति प्रदर्शन किया। अब ये तो हो गई सचिन पायलट की वर्तमान की बातें, अब हम आपको वहीं बताते चले कि पायलट भूतकाल में वे क्या करते थे और साथ ही उन्होंने नेता बनने से पहले कितनी नौकरियां बदली। आज हम सब कुछ उनके जीवन से जुड़े सभी बातों को बताएंगे। वहीं बताते चले कि पिता राजेश पायलट से राजनीतिक विरासत में पाने वाले सचिन पायलट गुज्जर नेता हैं। पायलट सरनेम इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये उनके पिता की विरासत है। पिता राजेश पायलट थे, उसके बाद राजनीतिक में कदम रखा और वहां भी गर्दा मचा दिया। 26 साल की उम्र में यूपी से सांसद बनने वाले पायलट मंत्री और संगठन में अन्य बड़ी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। उनके पिता कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से एक थे और स्वर्गीय संजय गांधी के बेहद खास और करीबी थे। गौरतलब है कि सचिन ने पिता की हादसे में मौत हो जाने के बाद राजनीति की कुर्सी संभाली थी। उस समय वे महज 25 साल के अलहड़ मस्त मौला नौजवान थे। एक रिपोर्ट के दौरान उन्होंने कहा था कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि राजनीति करूंगा, लेकिन जनता ने मुझे पलकों पर बिठाया है। सचिन के पिता राजेश पायलट दिल्ली में रहते थे और वहीं पर उनकी दोस्ती संजय गांधी से हुई थी। वहीं पर सचिन की शुरुआती स्कूली शिक्षा हुई। स्कूल पूरा करने के बाद सचिन दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज गए थे। उसके बाद उन्होंने दिल्ली से सीधा अमेरिका की उड़ान पकड़ी और पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय के वॉर्टन स्कूल से एमबीए की डिग्री ली। वहीं कॉलेज पूरा करने के बाद अन्य दोस्तों के साथ मिलकर छोटी मोटी नौकरी की। फिर वे भारत आ गए और यहाँ पर दो मल्टीनेशनल कंपनी में कुछ समय के लिए काम किया। उसके बाद हादसे में पिता की मौत हो जाने के बाद उन्होंने परिवार के बड़े और सीनियर कांग्रेस नेताओं के कहने पर पिता की विरासत संभाली। वहीं आपको बता दे कि ठेठ अंग्रेजी बोलने वाला नौजवान सचिन अब देहाती कपड़ों में आ चुका था और पिता का गेटअप लेकर गांव में घूमना शुरू कर दिया। साल 2002 में पिता के जन्मदिन के मौके पर जब पिता नहीं थे, उस समय सचिन ने विद्वत राजनीति का सफर शुरू किया और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। बेटे में पिता की छवि दिखती थी और बेटे को भी जनता ने हाथों हाथ लिया। 10 फरवरी को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद 26 साल की उम्र में 14वीं लोकसभा के लिए राजस्थान के दौसा शहर से वे सांसद चुने गए, जिसके बाद सचिन का नाम गूंजने लगा और नेताओं को पता चल गया था कि सचिन नाम का कोई बड़ा और जनता को प्यार नेता मैदान में आ चुका है। वे सबसे कम उम्र के सांसद थे। इसके बाद वो 2009 के लोकसभा चुनाव में अजमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सांसद चुने गए और यूपी सरकार में राज्य मंत्री बनाए गए। केंद्र सरकार की कई समितियों में वे रहे, लेकिन उसके बाद अजमेर सीट से हार का सामना भी करना पड़ा। उसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष उन्हें चुना गया। वर्तमान में टोंक के एमएलए थे। वही राजस्थान 2020 में गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत का मोर्चा खोल देने के बाद से अब लगातार उनके समर्थक उन्हें सीएम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीएम गहलोत राजनीतिक उनसे दुगनी उम्र रखते हैं। 2020 में वे उप मुख्यमंत्री, लेकिन बगावत करने के बाद सीएम ने उन्हें इस पद से हटा दिया। गहलोत वर्सेस पायलट के बीच आगामी दिनों में राजस्थान का सहरा किसके सर पे सस्ता है, इस पर राजस्थान के 7 करोड़ लोगों की नजर बनी हुई है। आपको ये अपडेट कैसी लगी हमें लाइक सब्सक्राइब कर कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।